ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, आज मेरे साथ में फादर आसित सोरेंग है। फादर आसित झिरपानी परिस में 10 जून को आए और अभी मेरे साथ में हैं। तो परिस में बहुत लोग अभी जानने चाह रहे हैं फादर के बारे, और कहाँ से वे आए और उनका घर कहाँ है। तो सबसे पहले मैं फादर को अपना परिचय देने बोलूँगा। धन्यवाद फादर। जयसु सबों को जयसु। मैं फादर आसित कुमार सोरेंग हमीरपुर पालिका हूँ और मैं राउरकेलाधर प्रांत के लिए अभी कार्यरत हूँ। मैं अभी झिरपानी पल्ली में सहायक पुरोहित की तौर से यहाँ कार्यरत हूँ और मैं हमीरपुर में पला बढ़ा, वहाँ पढ़ा और मैट्रिक के बाद मैं दिव्या निलाया माइनर सेमिनारी बेल्डी में प्रशिक्षण लिया। उसके बाद 3 साल तक वहाँ रहते हुए पढ़ा। उसके बाद 1 साल के लिए सेंट पॉल माइनर सेमिनारी खोरधा स्पिरिचुअलिटी कोर्स के लिए वहाँ पढ़ा। उसके बाद में फिर से फिलोसोफी और हायर स्टडी के लिए मैं पुल पालिका हूँ और मैं राउरकेलाधर प्रांत के लिए अभी कार्यरत हूँ। मैं अभी झिरपानी पल्ली में सहायक पुरोहित की तौर से यहाँ कार्यरत हूँ और मैं हमीरपुर में पला बढ़ा, वहाँ पढ़ा और मैट्रिक के बाद मैं दिव्या निलाया माइनर सेमिनारी बेल्डी में प्रशिक्षण लिया। उसके बाद 3 साल तक वहाँ रहते हुए पढ़ा। उसके बाद 1 साल के लिए सेंट पॉल माइनर सेमिनारी खोरधा स्पिरिचुअलिटी कोर्स के लिए वहाँ पढ़ा। उसके बाद में फिर से फिलोसोफी और हायर स्टडी के लिए मैं गोपालपुर ऑन सी बरहमपुर डायसिस में वहाँ फिलोसोफी 3 साल किया, 3 साल फिलोसोफी के साथ प्लस 3 किया। और उसके बाद मैं रीजेंसी के लिए जॉन मेरी भियानी हॉस्टल गोमहाडी में 1 साल के लिए रीजेंसी किया। उसके बाद मैं थियोलॉजी के लिए संबलपुर शासन कृष्ण ज्योति महाविद्यालय शासन में 4 साल तक थियोलॉजी पढ़ने के बाद मैं डिकन 2016 दिसंबर में मेरा डाइकनेट हुआ। उसके बाद मैं डाइकनेट मिनिस्ट्री के लिए अपॉइंट केसराम कुसुमडेगी पारिस में था। डाइकनेट मिनिस्ट्री करते हुए मैं करीब 9 महीना 10 महीना तक डाइकनेट मिनिस्ट्री करने के बाद 2017 नवंबर 12 को मेरा अभिषेक हुआ हम लोग का बिशप बिशप किशोर कुमार कुजूर के कमलों हाथों से मेरा अभिषेक हुआ हमीरपुर पल्ली में। और मैं वहाँ से ठाकुरपाली, मेरा पहला अपॉइंटमेंट ठाकुरपाली में हुआ। मैं वहाँ 2 साल तक कार्यरत था। उसके बाद फिर से मेरा ट्रांसफ़र होते हुए मैं दूसरा पारिस गया, पोंगडी पारिस। वहाँ 2 साल मैं कार्यरत हुए हो किया। उसके बाद में मैं अभी झिरपानी पल्ली में हूँ। 10 जून को मैं झिरपानी पल्ली में आया और अभी मैं सहायक पुरोहित के रूप में काम कर रहा हूँ। फादर, आपका फैमिली के बारे, परिवार के बारे में थोड़ा सा परिचय दीजिए। फारे कौन कौन है, चाहे इससे थोड़ा सा फैमिली का परिचय दीजिए। मेरा फैमिली में माता पिता हैं, हम लोग 4 भाई हैं और 4 भाई से मैं दूसरा नंबर में हूँ और 3 बहन मेरा फैमिली में 4th नंबर है। और इस तरह हम लोग 4 भाई 3 बहन होते हुए परिवार में हैं। माता पिता अभी तक हैं और माता पिता अभी तक हमीरपुर में ही रहते हैं। आप अभिषेक के बारे बताइए, अभिषेक का तारीख। तो अभिषेक के बाद में आप कहाँ कहाँ काम किए और आपका अनुभव क्या था, उसके बारे थोड़ा सा बताइए। मैं अभिषेक के बाद में मेरा पहला अपॉइंटमेंट ठाकुरपल्ली पल्ली में हुआ, जहाँ वो पल्ली में मैं 2 साल तक काम किया।
वहाँ बहुत सारे विश्वासी लोग आते थे, प्रार्थना में, प्रार्थना के साथ में मिलते थे, जुलते थे, और वो लोगों का विश्वास देख के बहुत खुशी अनुभव होती है। जब भी वो लोग साथ में थे, सब काम में वो लोग मदद किए हैं, और ज़रूर मैं सोचता हूँ कि वो लोग मेरे साथ जब जितना दिन तक थे मेरे साथ अच्छे से थे, और उन लोगों के साथ काम करने बहुत अच्छा लगता था। ठाकुरपाली में पहलापन में था, उसके बाद में कहाँ गए और उसके बाद में कहाँ कहाँ काम किए उसको भी थोड़ा सा बताइए। उसके बाद ठाकुरपाली पल्ली के बाद में मेरा पुनः ट्रांसफ़र होकर मैं पंकोडी पल्ली में था, वहाँ 2 साल कार्यरत था। वहाँ भी वहाँ का सराउंडिंग जंगल पारिस है, जहाँ नो नेटवर्क, नो इलेक्ट्रिसिटी, और उस जगह में भेजा गया, और मैं खुशी से वहाँ जाते हुए जो भी मुझे दायित्व दिया गया मैं उसे अच्छा से निभाने के लिए कोशिश किया, और विश्वास करता हूँ कि वहाँ भी विश्वासी लोग बहुत ढेर सारे प्यार दिए, और उन लोगों के सहायता से पल्ली को चलाने में फादर के साथ, मेरे पल्ली पुरोहित के साथ हम लोग अच्छी तरह से अपना कार्य को निभा रहे थे, और वहाँ का देखने से विश्वासी लोग प्रभु के वचन के लिए भूखा है, और इस तरह जब कोई भूखा रहता है तो उसे प्रभु का वचन दिया जाता है और वो लोग उसे स्वीकार करते हैं और अपने जीवन में लागू करते हैं, और यही एक बात था जो कि विश्वासी लोग वहाँ प्रभु के वचन को पाने के लिए तरसते थे, और वहाँ काम करने बहुत अच्छा लगा उन लोगों के साथ में रहते हुए, और सीखने को भी मिला कि प्रभु के वचन में जीवन बिताने के लिए। आपके कहने के अनुसार आप शुरू में ही मैंने थोड़ा जंगल एरिया में थे, चाहे इंटीरियर एरिया में थे कहूँगा, कारण कि ठाकुरपाली भी तो थोड़ा जंगल, पहाड़ जंगल सब है, और ये पंकोडी भी है, तो मैं सोचता हूँ आपका मिशन एक्सपीरियंस जो कहेंगे मैंने एक पुरोहित का चाहे एक मिशनरी का काम थोड़ा ऐसा कठिन एरिया में था, इसलिए आपका मैं सोचता हूँ आपका मिशनरी अनुभव चाहे मिशन में काम करने का एक ठो अच्छा फाउंडेशन हुआ होगा, इसके बारे में आपका क्या विचार है, चाहे क्या सोचते हैं, थोड़ा सा कुछ अनुभव की बात बताएंगे तो। हाँ, मैं जिस तरह फादर बोल रहे थे जंगल एरिया चाहे इंटीरियर एरिया में काम किया हूँ, वहाँ का विश्वासी लोग विश्वास में मजबूत हैं, और वे लोग चाहते हैं कि पुरोहित उन लोगों के लिए वही वचन को देंगे, और देखने से जंगल एरिया बहुत दूर दूर देहात जाना पड़ता था, और एक दिन रुक जाना पड़ता था, और उन लोगों के साथ में रह के एक दिन होल्ड करते हुए उन लोगों के साथ में जीवन बिताते, उन लोगों के दूसरे दिन मिसा समारोह के साथ में पुनः पल्ली को लौटते थे, और इस तरह से ठाकुरपल्ली का देहात सब बहुत दूर दूर होते हुए भी जाने के लिए, वहाँ जाने के लिए बहुत अच्छा लगता था उन लोगों के साथ काम करने, क्योंकि सब कोई गरीब परिवार से हैं, सब कोई वेल टू डू नहीं है, तो भी सो लोग जब भी कोई पुरोहित जाते हैं तो उन लोगों को वेलकम के साथ में अपने परिचय गांव के बारे में बताते हैं, और उन लोगों का विश्वास जो है बहुत मजबूत है। अभी आप कहेंगे पुरोहित बनने के बाद में पहली पहल में हैं, पहला स्टेज कहूँगा, मैंने एक यंग प्रीस्ट हैं, तो अभी हम लोग डायसिस में धर्म प्रदेश में बुलाहट के बारे भी हम लोग चिंता करते हैं, विनती करते हैं, और कुछ कुछ ऐसा बुलाहट लेके प्रोग्राम्स हम भी होता है, तो अभी का युवा पीढ़ी के लिए आपका क्या सोच है कि कैसे उनको मोटिवेट करेंगे कि बुलाहट में बुलाहट जीवन के लिए आपका क्या कुछ सोच है, विचार है, चाहे आपका सोच को थोड़ा हम लोगों को बताने से ठीक रहेगा। हाँ, बुलाहट के लिए मैं जब स्कूल में पढ़ता था उस समय में हमारे हमीरपुर हाई स्कूल में फादर सब भी काम करते हैं, जहाँ फादर रंजीत जो कि हम लोगों को बहुत अच्छी तरह से बताते थे कि जीवन में क्या करना है और लक्ष्य लेके पढ़ना है, और उसी समय से जब फादर को देखते थे उसका बात से विचार से मेरे को इंस्पायर किया उसका बात, और जब मैं हमीरपुर पल्ली वही नज़दीक ही है घर, और मैं बहुत सारे फादरों को देखता था और उनका जीवन उनका सिंपल लाइफ को देख के मेरे को भी लगा कि मैं भी पुरोहित बनूं, और इस तरह से उन लोगों को देखते हुए मैं पला बढ़ा हूं, और
मैं भी एक सोच था कि मैं भी एक दिन पुरोहित बनूंगा और पुरोहित बन के डायसिस के लिए काम करूंगा। साथ में आज मैं युवा पीढ़ी को बोलना चाहता हूं कि अपना हमारा जीवन अपना हाथ में है और जिस तरह हम लोग जिएंगे उसी तरह हम लोग का लाइफ भी बनेगा। अगर जीवन में कुछ पाना है तो हम सबों को कड़ी मेहनत के साथ में एम रखते हुए चलना है। जिस तरह हम लोग देखते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कि फुटबॉल में अभी आज के दिन में एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है, वो छोटे से ही फुटबॉल के लिए जुनून था और जुनून के साथ में वो चाहा कि मैं एक दिन बड़ा खिलाड़ी बनूंगा और उसी को देखते हुए वो एक दिन आज परिश्रम किया और जो लक्ष्य रखा था उसमें पहुंचा है और वो सफल खिलाड़ी बनते हुए आज नंबर वन फुटबॉल प्लेयर है। उसी तरह जब हम लोग हमारे जीवन को देखेंगे तो हम भी लक्ष्य लेते हुए अगर हमें आज कुछ बनना है, पुरोहित बनना हो या कुछ डॉक्टर बनना हो, टीचर बनना हो, तो कुछ एम लेते हुए पढ़ेंगे तो ज़रूर हम लोग अपने जीवन में सक्सेसफुल होंगे। अभी का परिस्थिति के अनुसार में हम लोग टाउन एरिया में परिवार को देखेंगे तो परिवार में पहले जैसा संख्या नहीं है, भाई बहन का संख्या अभी घटते जा रहा है ऐसा दिखता है। कोई कोई परिवार में एक केवल है, एक लड़का चाहे लड़की, चाहे कोई कोई परिवार में दो जन केवल ऐसे ही। तो ऐसे परिस्थिति में थोड़ा बुलाहट के लिए माँ बाप को थोड़ा मुश्किल होगा ऐसा दिखता है मेरे सोच अनुसार, मैंने बुलाहट का हिसाब से और मिशनरी काम करने के लिए। फिर भी आपका इस क्षेत्र में चाहे बुलाहट के बारे में चाहे टाउन एरिया में आप तो ज़्यादा अभी तक जो काम किए हैं, मैंने जो पारिस में काम किया है, थोड़ा जंगल झड़ था तो वहाँ तो संख्या तो परिवार में ज़्यादा भी रहते थे, लेकिन अभी टाउन एरिया में थोड़ा काम भी होते हैं और उनका शिक्षा अंग्रेजी मीडियम में होता है तो वो लोग हाई एम्बिशन रखते हैं, ऊंचे ऊंचे काम के लिए वो लोग जाने चाहते हैं। लेकिन फिर भी ये अभी का युवा पीढ़ी के लिए इन जनरल कुछ सलाह चाहे कुछ ऐसा एडवाइस देंगे तो कुछ अपने ओर से कह सकते हैं। अभी का यूथ सबों के लिए, जो युवा पीढ़ियों के लिए कहते हैं, अब्दुल कलाम कहते थे सपना देखना ज़रूरी है, या नहीं कि हम लोग नींद से जागे मगर सपना जो सपना है उसको साकार करने के लिए अपने आप को कड़ी मेहनत की ज़रूरत है। और जब हम लोग मेहनत करेंगे और अपने आप में विश्वास करेंगे तो ज़रूर, बहुत बार हम लोग देखते हैं कि हम लोग कुछ एम तो रखते हैं लेकिन अपने ऊपर में चाहे अपने आप में भरोसा चाहे विश्वास नहीं होता है। मगर जब हम कुछ करने के लिए चाहें तो खुद विश्वास होना है, भरोसा होना है और उसको पाने के लिए जो चाहत है उसको पाने के लिए वो चाहत को रखते हुए वो सपना को साकार करना है। और जब हम इस तरह अपने आप को तैयार करेंगे, वो सपना को अपना जीवन में लाएँ तो ज़रूर हम कामयाब होंगे और एक अच्छा कहें अच्छा व्यक्ति बन सकते हैं, अच्छा अपने काम में हो चाहे अपने जीवन में सफल पाते हुए एक अच्छा मनुष्य बन सकते हैं। फादर आशीष सोरेंग अपना सोच विचार अपना अनुभव को हमारे साथ बांटे हैं, मैं बहुत खुश हूँ उनका एक्सपीरियंस को, उनका अनुभव को हमारे सामने में वे प्रकट किए हैं। और ज़रूर आप लोग जो इस वीडियो को देखेंगे किसी ना किसी प्रकार माँ बाप हो चाहे युवक युवती हो चाहे कोई भी हो, इस वीडियो के जरिए से हम लोगों को कुछ ना कुछ प्रेरणा मिलेगा ऐसा मैं सोचता हूँ। और अभी का समय का मांग है चर्च के लिए, मंडली के लिए, कि हमारे बीच से ही मिशनरी लोग, पुरोहित लोग होंगे। कारण कि पहले मिशनरी लोग आए हमारे इस क्षेत्र में और मिशन काम करके चले गए, लेकिन अभी हम इतना 100 साल के मिशन काम के बाद में हम लोग के बीच में ही हम लोग का परिवार से चाहे हम लोगों का रिश्तेदारों से भी ऐसे चर्च का अगुवाई काम करने के लिए, मिशनरी बनने के लिए, पुरोहित बनने के लिए, सिस्टर बनने के लिए हम लोगों का बीच से ही आना चाहिए, ये मैं उम्मीद करता हूँ। तो आज के जो हम लोग वीडियो में आप लोगों के लिए कुछ शिक्षा दिए, ज़रूर ये आप लोगों के लिए लाभदायक होगा और हम लोगों को प्रेरणा देगी और हम लोग इसे प्रभावित होंगे। तो आप लोगों को इस वीडियो देखने के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ।